गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज मनीषा रावत और आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो मैं आपको उत्तराखंड का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी और तब तक हम चलते हैं। तो अभी हम पीरू मदारा में रुक रखे हैं, मतलब यहाँ से हम लोग चाची के घर जाएंगे। तो चाची लोग पीरू मदारा में ही रहते हैं और फिर अभी मतलब पापा तो गए फल फ्रूट लेने के लिए और ताऊ जी भी, फिर मम्मी लोग और दीदी वो को बाहर वहाँ पे खड़े हैं। मैं गाड़ी के अंदर बैठे चूँकि मुझे बाहर नहीं उतरना, तो अभी चलते थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम पीरू मदारा। तब तक मतलब पहुँच तो चुके हैं, मतलब चाची के घर जाएंगे, तब तक चाची आती है फिर मिलते हैं। बाय। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम चाची के घर पे हैं और अब हम चाची के घर से निकलेंगे गाँव के लिए अभी थोड़ी देर में, खाना वाना खा के। चलो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर, मैं जब तक फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। हम लोग छत पे जा रहे हैं, चलो मैं आपको छत दिखाती हूँ, आपका मतलब व्यू बहुत अच्छा है। मौसम हो रखा है यहाँ पे एकदम बढ़िया और अभी हमें यहाँ से निकलना है रामनगर। हाँ, पहले तो अभी हम पीरू मदारा में, यहाँ से हम रामनगर जाएंगे पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था हम रामनगर आ रहे हैं पर नहीं, पहले हम पीरू मदारा आए फिर अब रामनगर जाएंगे, फिर रामनगर से हम जाएंगे सीधा गांव के और एक जगह रुक सकते हैं मरचूला में। तो चलो अभी जाते वक्त मिलेंगे आपको। तो हमने यहाँ पे ना कुत्ते का पिल्ले रखे थे छोटे छोटे, हमने उन्हीं के पास जा रहे हैं खिलाएंगे, अगर खाएंगे तो यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, उसे सिर्फ काम काम दिखाई दे रहे बेचारा, मानती हूँ गढ़वाल ही होगा वो भी, तभी छोटा है। अरे ये लो आपका, नहीं उसके मिल गई लेकिन और चीज अपने पापा के पास जा रहे हो लो लो लो। अरे किताब ने गला दिया है, लो टिंगू से ढूंढ ढूंढ के खा रहे
गिर गया होगा वो। सब साफ कर दी पापा, इन्होंने देखो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला मोटा तगड़ा सा लग रहा है। वो अपनी मम्मी पे गया है, इसकी मम्मी देखी थी रात में, और ये बार 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 बार। चलो बाय चाची। बाय। आम देखो माजी, आम कैसे लगे? हम शहरी का आम ही आम है इधर, आम लीची कटहल एकदम बड़े बड़े। यहाँ की मतलब मिठाई लेने की जो यहाँ की गढ़वाल की सबसे फेमस है, दिखाती रहती हूँ। मैंने वीडियो ही नहीं बनाई यार, अभी आगे जाऊंगी ना पापा के पास, तब बनाती हूँ यार, फिर से दिख जाए काश। पूरे झुंड में थे चार पांच एक साथ, देखते मिलते शायद। वीडियो अगली बार ओपन करके रहूंगी, कुछ ना कुछ करती रहूंगी। पीछे की सीट छोड़ के आगे आ गई, बिकॉज वहाँ पे मेरे को सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा हवा चाहिए थोड़ी, और यहाँ पे हवा मिल रही एकदम मस्त। आप कोई जानवर दिखेगा तो दिखाऊंगी। क्रोकोडाइल पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे आपको मगरमच्छ दिखाएंगे, ठीक है? देखो शायद दिख जाएगा किस्मत में हुआ तो। बैक करती हूँ, पूरा मगरमच्छ वो देखो धूप ले रहा है वहाँ पे।
ये देखो पहलवान को गाड़ी का लगा दो गाड़ी का हां वो तो करो गाड़ी लगा दो गाड़ी ये डाल दो नाम पर नाम पर ये लो फोन दूसरा कॉल वो गाड़ी हम करेली खाल आ गए तो गौतम पहुंच गए हैं। हमने गाड़ी आगे खड़ी कर रखी बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं है, बहुत सारे लोग आ रखे क्योंकि शादी है ना, तो सारा गांव आया है। तो अभी हम जाएंगे नीचे नीचे जा रहे, एकदम स्पीड भी बढ़ी जा रही है। ऐसे गांव में मजा ही अलग होता है ना दी। हाँ बहुत ज्यादा अलग होता है। भैया आ रहे जब तक, हमने अपना सामान रख दिया, वो भी थोड़ा उठवाएंगे तो कमजोर हो गए। ये हमारा रोड है, इसमें हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं और अभी पता है एकदम से ना स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे चलते। देखो स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे बिकॉज ना ये ना ढलाई वाला रास्ता है। ओ यार इतना भारी बैग यार क्या होगा, मैं सोच रही हूँ मैं तो पक्का लमड़ जाऊंगा। गोलू भैया को तुम्हारा एक्सपीरियंस है पूरे तरीके से चलने वाले। देखो वहां पे ढोल भी बज रहे हैं, सबने पीले पीले कपड़े भी पहने हैं। पहले आपकी बॉडी थी ब्रेक 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 ब्रेक। एक तो इतना भारी बैग है मेरा। मैं तो वीडियो के चक्कर में वहाँ पहाड़ देखने के चक्कर में वो भी नहीं देख पाई। अभी मैं आपको अपनी एक फेवरेट जगह दिखाऊंगी जहाँ पे मैं थोड़ा पूरा मैसेज करके चलते हैं। और अभी मैंने आपको अपनी एक फेवरेट जगह दिखाऊंगी जहाँ पे ना ऑलवेज रहते पे कोई आ रहा है, एक मिनट प्रणाम करना पड़ेगा। तो अभी मैसेज करके जाएंगे वहाँ। देखो वहाँ पे पूरा टेंट वेंट लग गया, तैयार व्यार हो रहे हैं। प्रणाम तो अभी वो रही यार थक गई। गांव में आके ना कुछ अलग ही मजा अपना। अब 3 दिन में चले जाएंगे, इतना कुछ करके आए स्ट्रगल हम तो उल्टी जैसा मन सिर दर्द ये वो ढिकाना फिकाना पहाड़ों में चक्कर आ गए। ये है मेरी फेवरेट जगह, देखो दिखाऊं। देखो मैं ऑलवेज यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ चाहे कुछ भी होगा, यहाँ पे आके बहुत आराम मिलता है और यहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे हम बैठते हैं, ये वाला रोड है हमारा जाने का। ऐसे ऐसे करके रोड से हम जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं, एक तो मैंने कपड़े भी ऐसे पहने, आज मेरी बेइज्जती हो गई इस कपड़े में। हम वहाँ पे थे ना काशीपुर में खा रहे थे खाना, तो वहाँ पे ना हमारे चाचा जी भी थे, तो मतलब मैंने ये पहन रखा था, तो थोड़ा ढीला डाला सा कपड़ा मैं लाई थी सरोजनी से, तो मैंने ढीला डाला, मतलब कपड़े सही रहते हैं ढीले डाले कहीं पे भी जाओ सफर वफर में। तो चाचा जी कह रहे तू ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही, तो मुझे लगा सर बोलेंगे कि अच्छी लग रही है वो, उन्होंने बोल दिया बैंड बजाने जा रही है बर्तन धोने जा रही है। मैंने कहा यार इतनी बुरी बेइज्जती, तो मैंने कहा क्या ही पहन के आ गई मैं यहाँ पे। और आई वहाँ पर आपको चिनक चिनक चिनुक करके कुछ ऐसी बोलते, वैसे मैं वो गढ़वाली नहीं आती एक तो, तभी मुझे बात करने में थोड़ा अजीब लगता है यहाँ पे, क्योंकि लोग गढ़वाली में बात करते हैं, मुझे गढ़वाली आते जाते समझ नहीं आती और फिर बात करने में थोड़ा सा लगता है। वो मेरी ताई, अभी ताई से मिलती रुको ठीक है आपको दिखाती हूँ। ये हमारे सारे फंगुड़ हैं और यहाँ पे हमारी बकरियाँ बंधी रहती हैं, उनको चिनुक चिनक करके जो भी बोलते हैं हम। और ये सारे फंगुड़ा केला का पेड़, सारे पेड़ हैं यहाँ पे, हमें दादाजी का भी आम का लगाया हुआ पेड़ भी है। और ये हमारा गौशाला, वो भी हमारा गौशाला, उसका जो ऊपर वाला रूम है उसमें मतलब सब्जी वब्जी रख देते हैं, मतलब जैसे जब शादी ब्याह होती है तो वहाँ पे हम लोग सब्जी रखते हैं। और ये सारे रूम है, अभी सारी गोर बक्षी पता नहीं कहाँ गई है जब घूमने के लिए, तो मैं आ गई। सबसे पहले दादी के पास जाती हूँ। तो ये है हमारी बॉडी।